हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ एक स्पेशल स्वीट रेसिपी, वो है मिल्क बर्फी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पैन रख दिया है और हमें इस पर ऐड करना है घी। 2 टेबलस्पून तक मैंने घी ऐड किया है और हमें चाहिए, इस घी में हमें ऐड करना है 1 से 1.5 बाउल तक हमें मैदा ऐड करना है और इस घी पर अच्छे से हमें इस मैदे को रोस्ट करके लेना है और एकदम अच्छे से घी इस पर मिक्स होना है। उस तरह अच्छे से हमें इस चम्मच के द्वारा अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो एक बहुत ही अच्छा रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें बहुत पसंद आने वाले हैं। तो देखिए, अच्छे से हमने इस पर घी अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से हमें इसे रोस्ट करके ले लेंगे। और आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, तो ड्राई लग रहा है, तो आप इस पर और 1 चम्मच और 1 टेबलस्पून घी ऐड कर सकते हैं। तो 3 से 4 टेबलस्पून तक घी आप ऐड कर सकते हैं और अच्छे से स्मूथली एक अच्छे पेस्ट हमें करना है। तो देखिए, मैंने 4 टेबलस्पून घी तो ऑलरेडी ऐड कर लिया है। तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे ताकि एकदम टेस्टी लगे, एकदम क्रीम जैसा आना है। तो चलिए अच्छे से मिला देंगे और इसे हमें एक अलग से बर्तन में ट्रांसफ़र करना है ताकि इसे ठंडा होने के बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स हमें इस पर ऐड करना है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, मैदा तो हर एक के घर में रहता ही है, तो फटाफट से आप इस बर्फी को बना सकते हैं। तो देखिए, एकदम स्मूथ पेस्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है ना। तो फ्लेम ऑफ करके इसे हम एक प्लेट पर इसे निकाल देंगे। और देखिए, हमने प्लेट पर निकाल दिया है। तो अभी हम इस पर मिक्स करना है मिल्क पाउडर। तो मैं मिल्क पाउडर यहाँ पर 1/2 बाउल तक मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसमें मिला देंगे। आप चाहे तो अपने हाथों से इसे मिक्स कर सकते हैं, चम्मच के द्वारा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, इसके लिए अपने हाथों से अच्छे से इस मिल्क पाउडर को इस मैदे में, रोस्ट किए हुए मैदे में अच्छे से मिला देंगे। और आपको लग रहा है इसका मीठा कम है, तो आप इस पर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने शुगर को पाउडर करके इस पर ऐड किया है 1/2 बाउल। और देखिए, इस तरह का शेप करके मैंने ले लिया है। अभी हम इसे फ्रिज में रखना है और 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखना है। और इस तरह से हमें इसका क्यूब्स में कट करके ले लेंगे। बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये रेसिपी। तो फिर मिलेंगे नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।